Hey guys, welcome back to my channel. So today I will create this easy and quick self bridal makeup. Beginner can also do this makeup. So सबसे पहले मैं बायोटिक बायो कुकुम्बर टाइटनिंग टोनर विद हिमालया वाटर को कॉटन पर लेकर अपने पूरे फेस को क्लीन कर लूँगी. दिस टोनर फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन एंड लुक एट द डर्ट. एंड उसके बाद मैं लोरियल का रिवाइट लिफ्ट हाइलोरोनिक एसिड सीरम यूज़ करूँगी. इसमें 1.5 हाइलोरोनिक सीरम है. दिस सीरम फॉर लॉस ऑफ प्लम्पनेस एंड एमर्जेंस ऑफ फाइन लाइन्स. एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर विद हाइलोरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई. इस वीडियो में मैं जितने भी फेस प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो मेरे फेस के अकॉर्डिंग यूज़ करी. मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस हिलेरी रोडा का एसडी प्राइमर. मैं प्राइमर को हमेशा अपने बैक ऑफ द हैंड लेके उसे एक्टिवेट करने के बाद में उसे यूज़ करती हूँ. मॉइस्चराइजर को यूज़ करने के 10 से 15 मिनट के बाद में ही आपको प्राइमर यूज़ करना होता है. इसको मैं अपने टी जोन एरिया पे और जहाँ जहाँ मेरी ओली स्किन है वहाँ वहाँ में से यूज़ कर रही हूँ. उसके बाद में मैं यहाँ पे लंदन आइकॉनिक लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करूँगी क्योंकि मैं एक ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ अपने फेस पे एक अंदर से ग्लो आए. इसलिए मैं जहाँ जहाँ मुझे ग्लो चाहिए वहाँ वहाँ में से यूज़ करूँगी. उसके बाद में मैं अपने पिगमेंटेड एरिया को हाइड करने बेसिकली अपने डार्क सर्कल्स को छिपाने के लिए इनसाइड कॉस्मेटिक का कलर करेक्टर प्रो कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ. इसमें से मैं ये पीच कलर और ऑरेंज कलर को मिक्स करके अपने पिगमेंटेड एरिया पे अप्लाई करूँगी. एक ड्यूएम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. कंसीलर को ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है. एंड दिस इज़ द टिप नंबर वन ऑफ द डे. After that, I'm using these two foundation. First is Maybelline Fit Me and the shade is 310 and the second is Inside Thin Second Skin Foundation and the shade is 03 Sun Biz. Fit Me foundation मेरी skin से थोड़ा सा dark shade है और Inside foundation मेरे skin से थोड़ा सा light है. So that मैं दोनों को mix करके dotted form में इसे पूरे face पे apply कर लूँगी. Dotted form में apply करने का ये benefit होता है कि ये अच्छे से और जल्दी से blend हो जाता है. Dab dab technique को use करके ही आपको foundation को blend करना है, अच्छे से blend करना है. Basically blending is the key of flawless base. जितना अच्छा आपका base होगा उतना ही अच्छा आपके face पे फिनिशिंग आएगी. जब आप अपने लिप और बेस को ब्लेंड करेंगे तो ऐसे आपको मंकी फेस बनाना है. इससे बेस क्रीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस टू कंसीलर्स. फर्स्ट इज अ स्विस ब्यूटी कंसीलर एंड द शेड इज 02 सेंट सेबल एंड द सेकेंड इज इनसाइड कॉस्मेटिक मास्टर कंसीलर एंड द शेड इज 03 गोल्डन सेंट. कंसीलर को मैं अपने हाईलाइट पॉइंट्स पे यूज़ कर रही हूँ और सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इन्हें ब्लेंड कर लूँगी. कंसीलर को आपको कभी भी ज़्यादा ब्लेंड नहीं, सिर्फ उसको डिपॉजिट करना है अपनी स्किन पे अच्छे से. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी एच डी मैट लिपस्टिक एंड शेड इज 19 डार्क ब्राउन फॉर माई कॉन्टोरिंग एंड फॉर ब्लश आई एम यूजिंग मिस रोज ब्लड लिपस्टिक एंड द शेड इज 730102 6B. और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और ऊपर से मैं क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ तो उनको ब्लॉक करने के लिए मैं यहाँ पर पाउडर प्रोडक्ट का भी यूज़ कर रही हूँ. के लिए मैं यहाँ पे कलर बार की ये मल्टी कलर पैलेट को यूज़ करूँगी और कॉन्टरिंग के लिए ये शेड और ब्लशिंग के लिए मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ. एंड लास्ट में उसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी फॉर द नेचुरल फिनिश. एंड फॉर बेकिंग आई एम यूजिंग दिस इनसाइड कॉस्मेटिक बनाना लूज पाउडर. मैं इसे अंडर आइज पे और कॉन्टोर को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई कर लूँगी और बाकी बचे हुए पाउडर को मैं लिप्स अराउंड अप्लाई कर लूँगी क्योंकि इस एरिया पे स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और क्रीजिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं.
आफ्टर बेकिंग आई एम यूजिंग दिस इनसाइड कॉस्मेटिक मेकअप फिक्सर स्प्रे. फिक्सर को कभी भी फेस के बिल्कुल पास ले जाकर के स्प्रे नहीं करना, थोड़ा डिस्टेंस रखने के बाद में ही स्प्रे करना है. एंड स्प्रे करने के बाद में जो एक्स्ट्रा वाटर हमारे फेस पे रह जाता है उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि एक फ्लॉलेस लुक आ जाए और आपका बेस जो है वो अच्छे से सेट हो जाए. आफ्टर डैट फॉर माई आईब्रोज आई एम यूजिंग दिस असुस ब्यूटी आई शेडो पैलेट एंड द शेड इज 01. मैंने इसमें से डार्क ब्राउन शेड पर मेकअप फिक्सर को स्प्रे किया है एंड आईब्रोज को फिल किया है क्योंकि मुझे एक जेल बेस आई शेडो प्रोडक्ट चाहिए था. एंड लुक एट द डिफरेंस फॉर माई आई शेडोज आई एम यूजिंग दिस असुस ब्यूटी आई शेडो पैलेट एंड द शेड इज 03 एंड 01. जिस शेड से मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल किया था सेम शेड को एक फ्लफी ब्रश में लेकर के मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी. देन एक दूसरे फ्लफी ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. पहले वाले फ्लफी ब्रश से मैंने सिर्फ ट्रांजिशन शेड को डिपॉजिट किया था ऑन माई लिड एंड दूसरे वाले से मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई शार्प एजेज ना रहे. यहाँ पे मैं बिल्कुल ही मिनिमम आई मेकअप कर रही हूँ क्योंकि ये एक बिगनर ब्राइडल मेकअप है. आप चाहें तो कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स भी ऐड कर सकते हैं. आफ्टर दैट मैं अपनी रिंग फिंगर की हेल्प से एक शिमर शेड को लेकर के अपने इनर कॉर्नर से हाफ लिड तक अप्लाई करूँगी. शिमर शेड आप अपनी आउटफिट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. उसके बाद में सेम फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं दोनों आई शेडो के बीच में जो शार्प एजेस बन जाते हैं उनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी द हेल्प ऑफ सेम फ्लफी ब्रश. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस लैक्मे आइकॉनिक काजल. उसके बाद मैं अपने लोअर लिड के अकॉर्डिंग एक फ्लफी ब्रश लूँगी और उसके अंदर सेम ट्रांजिशन शेड को लेकर के अपनी लोअर लिड पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. बेसिकली उसे काजल के साथ में स्मज कर लूँगी और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस NYB लिक्विड लाइनर. मैं कोई फैंसी विंग क्रिएट नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल लाइनर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सिंपल मेकअप चाहिए था. एंड फॉर माय लैशेज आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन लैश ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा. एंड फॉर माय लिप्स आई एम यूजिंग दिस इनसाइड कॉस्मेटिक लिक्विड लिपस्टिक एंड द शेड इज मोल्टन अप पिंक. फॉर हाईलाइटर आई एम यूजिंग दिस असुस ब्यूटी ब्लश प्लस हाईलाइटर पैलेट एंड द शेड इज SB03. एंड एक फैन ब्रश की हेल्प से मैं अपने चिक्स पे, ब्रिज ऑफ नोज पे, क्यूपिड बो पे अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू ऑल. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना. मैं मिलती हूँ आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.